हाँ भाई हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम है अन्य मापन उपयंत्र। अन्य मापन उपयंत्र, और इसमें पहली हेडिंग डाल लीजिएगा फेज सीक्वेंस मीटर। कौन सा मीटर भैया? फेज सीक्वेंस मीटर यानी कला अनुक्रम मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का यूज क्यों किया जाता है भाई? फेज का पता लगाने के लिए। कौन से फेज का पता लगाने के लिए? आर है कि वो वाई है कि बी है, ये पता लगाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये स्टार है, ठीक, इस स्टार में ये हमने स्टार की वाइंडिंग तो कर दी, लेकिन इस स्टार की वाइंडिंग में कौन आर है, कौन वाई है और कौन बी है, इसका पता लगाने के लिए, इस आर वाई बी का पता लगाने के लिए किस मीटर का यूज किया जाता है? फेज सीक्वेंस मीटर का यूज किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? जो त्रिकला प्रणाली है, त्रिकला प्रणाली में आप ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग कर दिए, ठीक, ट्रांसफार्मर पे वाइंडिंग कर दिए, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें कौन आर है, कौन वाई है, कौन बी है? नहीं पता है। तो उसको जानकारी करने के लिए, उसको जानने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम इन मीटरों का यूज करते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा, अब भाई हेडिंग डाल लीजिएगा फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर में लिखेगा त्रिकला प्रणाली में, त्रिकला प्रणाली में, त्रिकला प्रणाली में, त्रिकला प्रणाली में त्रिकला प्रणाली में उसके फेज का पता लगाने के लिए, उसके कला का पता लगाने के लिए, उसके कला का पता लगाने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है, जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उसे, जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उसे फेज सीक्वेंस मीटर कहते हैं, उसे फेज सीक्वेंस मीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? फेज सीक्वेंस मीटर कहते हैं। आगे लिखेगा, आगे लिखेगा, फेज सीक्वेंस मीटर में, फेज सीक्वेंस मीटर में फेज सीक्वेंस मीटर में लिखो भाई, फेज सीक्वेंस मीटर में त्रिकला, त्रिकला प्रणाली में, त्रिकला प्रणाली में कौन वायर आर, कौन सा वायर आर, कौन सा तार आर, कौन सा तार वाई या कौन सा तार बी है, कौन सा तार आर या कौन सा तार वाई या कौन सा तार बी है, कौन सा तार बी है, इसी का पता लगाया जाता है, इसी का पता लगाया जाता है। और यह मीटर दो प्रकार के होते हैं, यह मीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला, पहला पहला कौन सा होता है भाई? पहला लैंप इंडिकेटर टाइप, मतलब समझते हैं बल्ब सूचक प्रारूपी, जिसमें बल्ब आपका प्रदीप्त होकर के सूचना देता है कि वह कौन सा वायर है। तो पहला होता है बल्ब सूचक प्रारूपी। दूसरा कौन सा होता है भाई? तो दूसरा होता है परिभ्रमण चकती टाइप, परिभ्रमण चकती टाइप, रिवॉल्विंग डिस्क टाइप।
टाइप या रोटेटिंग डिस्क टाइप, यानी परिभ्रमण चकती प्रारूपी, उसको रोटेटिंग डिस्क टाइप भी बोला जाता है। हाँ वो भी कह सकते हैं क्या? हाँ रिवॉल्विंग परिभ्रमण चकती प्रारूपी डिस्क टाइप हो गया। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा लैंप इंडिकेटर टाइप बल्ब सूचक प्रारूपी, हेडिंग है बल्ब सूचक प्रारूपी, ठीक पहली हेडिंग है बल्ब सूचक प्रारूपी। बड़ी मिस्टेक करते हैं टाइप में, हेडिंग हो गया। देखो यहां भी मिस्टेक कर दिए, इसमें किया क्या जाता है, इसमें या तो आपका चोक कुंडली का यूज करते हैं या कैपेसिटर का यूज करते हैं, चोक कुंडली का यूज करते हैं या किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर के साथ दो बल्ब लगा होगा, जैसे कहने का मतलब यह है कि ये हमारा कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर के साथ दो बल्ब लगे होंगे, ये दो बल्ब लगे होंगे, ये होगा आपका, या एक होगा आपका ये वाला कि क्वायल होगा, इस क्वायल के साथ दो बल्ब लगे होंगे, इस क्वायल के साथ क्या लगे होंगे, दो बल्ब लगे होंगे, ये वाला अगर बस। तो ये आपका दो टाइप के होते हैं, ये यल होता है और ये क्या है सी है, ठीक। तो इसमें दो तरह का यूज होता है, ये रेटिंग गलत लिखा हुआ है, ये रेटिंग गलत लिखा हुआ है, दोनों हेनरी हेनरी ये लिख दिया है। इसमें एक कैपेसिटर की रेटिंग होगी और एक किसकी होगी आपका इंडक्टर की रेटिंग होगी। तो इंडक्टर जो होता है वो 3 से 5 हेनरी का यूज किया जाता है, 3 से 5 हेनरी का, और जो आपका कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर होता है 2 से 4 माइक्रो फैरेड, ठीक ये होता है। तो गलत रेटिंग लिख दिए हैं, कैपेसिटर के लिए हम इसका यूज करेंगे और इंडिकेटर नहीं जी इंडक्टर, इंडक्टर होगा तो हम इसका यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो अब ये क्या है, ये एक मानक परिपथ बनाया जाता है। अब ध्यान से समझो, इसमें क्या किया जाता है, ये एक मानक परिपथ होता है, ये क्या होता है एक मानक यानी स्टैंडर्ड सर्किट होती है। इस स्टैंडर्ड सर्किट से 3 वायर निकले होंगे, इस स्टैंडर्ड सर्किट से कितने वायर निकले होंगे 3 वायर, इस भी स्टैंडर्ड सर्किट से कितने वायर निकले होंगे आपके 3 वायर आपके निकले होंगे, ठीक। और इन्हीं 3 वायर को क्या दिया जाएगा, इन्हीं 3 वायर के साथ हम किसको जोड़ेंगे, त्रिकला प्रणाली को जोड़ेंगे, जिसका हमको ज्ञात करना है कि वो R है कि Y है कि B है, उसी को हम जोड़ेंगे। जैसे हमको ज्ञात करना है ये हमारी सर्किट हो गई, ये हमारी सर्किट हो गई, ठीक। हमको नहीं पता है कि कौन सा R है कौन सा Y है और कौन सा B है, तो ये हमारा त्रिकला हो गया, त्रिकला सिस्टम हो गया ये। ये हमारा त्रिकला सिस्टम हो गया। अब हमको नहीं पता है कि कौन सा आर है कौन सा वाई है और कौन सा बी है, अब पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इन्हीं को आपस में ऐसे जोड़ेंगे, हम इन्हीं को आपस में क्या करेंगे इस तरह से जोड़ेंगे, और जोड़ करके तब हम बल्बों को प्रदीप्त होता हुआ देखेंगे कि हमारा बल्ब कौन सा जल रहा है। तो इसमें दो बल्ब लगते हैं आपका, एक बल्ब रेड होता है और एक बल्ब ये होता है ब्लू होता है, तो दो बल्ब होते हैं। तो एक में क्या होगा, जैसे ये वाला हमारा बल्ब है इंडक्टर टाइप है और एक कैपेसिटर टाइप है, तो दोनों में क्या होगा, इंडक्टर के अंदर खासियत होती है कि वोल्टेज से जो करंट होता है वो क्या होता है 5 डिग्री पीछे होता है। लेकिन कैपेसिटर की क्या खासियत होती है, कैपेसिटर की खासियत होती है वोल्टेज से करंट क्या होता है 5 डिग्री आगे होता है। तो क्या दोनों में एक जैसे ही बल्ब जलेंगे, यानी कोई एक तेजी के साथ जलेगा तो कोई एक धीमा जलेगा, इसमें भी ऐसा होगा और इसमें भी ऐसा होगा, ठीक। तो लिखिएगा इसमें इस प्रकार के विधि में दो बल्ब आर तथा बी, दो बल्ब आर तथा बी होते हैं, आर तथा बी होते हैं, दो बल्ब आर तथा बी होते हैं,
और इन दोनों बल्बों के साथ फिगर हम बना रहे हैं, तब तक आप लिखिए। और इन दोनों बल्बों के साथ चोक कुंडलिया, इन दोनों बल्बों के साथ चोक कुंडलिया क्या लिखे, और इन दोनों बल्बों के साथ चोक कुंडली या चोक कुंडली कोष्ठ में 3 से 5 हेनरी, चोक कुंडली कोष्ठ में 3 से 5 हेनरी वाला होता है, चोक कुंडली 3 से 5 हेनरी वाला होता है। तीन से पांच हेनरी वाला होता है और उसमें लिखेगा होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, तथा यदि संधारित्र प्रारूपी हो तो, यदि संधारित्र प्रारूपी हो तो संधारित्र प्रारूपी हो तो कैपेसिटर 2 से 4 माइक्रोफैराड वाला, 2 से 4 माइक्रोफैराड वाला होता है, 2 से 4 माइक्रोफैराड वाला होता है। फिगर बना लीजिएगा इसमें, ठीक भाई। ये दो बल्ब हैं, इसके साथ भी जुड़े हैं इंडक्टर के साथ भी, और दो बल्ब किसके साथ जुड़े हैं, कैपेसिटर के भी साथ जुड़े हैं। तो दो बल्ब इस कैपेसिटर के भी साथ जुड़े हैं और दो बल्ब इस इंडक्टर के साथ भी जुड़े हैं। तो ये कितना है, 3 से 5 हेनरी वाला है। तो इसका मान किसमें लिखा जाता है, हेनरी में लिखा जाता है, और कैपेसिटर का मान किसमें लिखा जाता है, माइक्रोफैराड में लिखा जाता है। फिगर बनाओ भैया, जल्दी फिगर बनाओ तो आगे चलें। हो गया, हो गया। हाँ हाँ फिगर बना ला,
का। अच्छा देखो भैया, ई का है, ई मानक सर्किट है, ई जो बनाई गई है मानक सर्किट बनाई गई, इसमें ये क्या है आर वायर है, ये क्या है बी वायर है, और ये क्या है वाई वायर। ठीक, ये हो गया। अब एक सर्किट आप ला रहे हो, इसके पास एक सर्किट ला रहे हो जिसको आपको नहीं पता वो कौन सी है, जैसे ये हमारी हो गई, ये अज्ञात सर्किट, ये कैसी सर्किट है भाई, ये अज्ञात सर्किट है, ये हो गई, हो गया। अब आपको पता लगाना है कि ये कौन सा इसमें से R है, कौन सा वाई है या कौन सा बी है, हमको पता नहीं है कि कौन सा क्या है, लेकिन इसका तो पता है ना कि कौन सा R है, कौन सा वाई है, कौन सा बी है। हम क्या करेंगे, हम इनका तीन तार इसमें जोड़ देंगे, हम इनका तीन तार हम इस तरह से आपस में जोड़ दिए, हम इनका तार क्या किए तीनों को हम आपस में इस तरह से जोड़ दिए, इसका भी हम क्या करेंगे आपस में तार इस तरह से जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब क्या होगा, अगर इस स्थिति में ये रेड वाला बल्ब अगर तीव्रता के साथ जलता है और ब्लू वाला बल्ब धीमा जलता है, ये क्या करेगा, ये तीव्रता के साथ जलेगा यानी अधिक तेज जलेगा, ये क्या करेगा, ये अधिक तीव्रता के साथ जलेगा, अधिक तीव्रता के साथ जलेगा, और ये क्या करेगा, ये धीमा जलेगा आपका। तो मतलब जो इनका फेज सीक्वेंस है वही फेज सीक्वेंस इसका भी है, मतलब ये कहने का है कि अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y होगा, अगर ये r है तो ये भी क्या होगा r होगा, अगर ये b है तो ये भी क्या होगा b होगा, अगर बताए गए आपका तीव्रताओं के साथ जलता है तब। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपका रेड वाला धीमा जल रहा है, ब्लू वाला तेज जल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तब आप कनेक्शन को चेंज करेंगे, यानी इस वायर को इसमें, इस वायर को इसमें, या उसको उसमें, यानी हमेशा क्या करेंगे चेंज करेंगे। और ये कब तक चेंज करेंगे, जब तक कि जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग बल्ब न जलने लगे, आई बात समझ में। जब बल्ब जल जाएगा उसके अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, जो आपका जैसे जैसे जुड़ा होगा उसका वही वही क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा, आगे बात समझ। ठीक, तो लिखेगा, और इसी तरह से इसमें क्या होगा भैया, इसमें तो रेड अधिक तीव्रता के साथ जल रहा है, ब्लू धीमा जल रहा है, उसमें क्या होगा, इसमें रेड धीमा जलेगा, ब्लू क्या होगा अधिक तीव्रता के साथ होगा, क्योंकि कैपेसिटर है, इसमें इंडक्टर में वोल्टेज से करंट पीछे होता है, उसमें वोल्टेज से करंट क्या होता है आगे होता है, इसकी वजह से ऐसा होगा। तो लिखेगा, अरे कैसा जाई का, लिखेगा, यदि यदि उपयंत्र के तीनों कला तारों को, यदि उपयंत्र के तीनों कला तारों को तीनों कला तारों को तीनों कला तारों को उन तारों के साथ जोड़ा जाए, उन तारों के साथ जोड़ा जाए जिसका नामकरण करना हो, जिसका नामकरण करना हो, जिसका नामकरण करना हो, यदि वायर को जोड़ने पर, यदि वायर को जोड़ने पर आर बल्ब अधिक तीव्रता के साथ और ब्लू बल्ब धीमा जलता है, आर बल्ब अधिक तीव्रता के साथ और बी बल्ब धीमा प्रदीप्त होता है, धीमा जलता है, तो जो फेज सीक्वेंस मीटर का होगा, जो फेज सीक्वेंस मीटर का होगा वही फेज सीक्वेंस
वही फेज सीक्वेंस त्रिकला प्रणाली का होगा, वही फेज सीक्वेंस त्रिकला प्रणाली का होगा। हो गया, वही फेज सीक्वेंस त्रिकला प्रणाली का होगा। यदि ऐसा ना हो तो, यदि का हो, हाँ अभी इंडक्टर वाला लिखवा रहे हैं, नहीं लिखवाए थे तो ऊपर ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा चोक कुंडली के लिए। ऊपर यहां जहां पर कार्यविधि लिख रहे हैं वहीं पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा चोक कुंडली के लिए, चोक कुंडली के लिए। हो गया, आगे लिखेगा ये बालक, आगे लिखेगा। यदि ऐसा ना हो तो फेज सीक्वेंस को, फेज को तब तक परिवर्तित करेंगे, फेज को तब तक परिवर्तित करेंगे फेज को तब तक परिवर्तित करेंगे जब तक कि R अधिक तीव्रता के साथ, जब तक कि R अधिक तीव्रता के साथ और B, R अधिक तीव्रता के साथ और B धीमा न प्रदीप्त हो, R अधिक तीव्रता के साथ और B धीमा न प्रदीप्त हो। हो गया, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखेगा लिखेगा यदि, अब देखो कैपेसिटर के लिखवाने जा रहे हैं, अब कैपेसिटर के लिखवाएंगे तो आप चाहो तो हेडिंग डाल लो यहीं पे कैपेसिटर की स्थिति में। यदि त्रिकला प्रणाली को, यदि त्रिकला प्रणाली को कैपेसिटर प्रारूपी, कैपेसिटर प्रारूपी के साथ जोड़ा जाए तो, के साथ जोड़ा जाए तो, के साथ जोड़ा जाए तो रेड बल्ब, रेड बल्ब धीमा, रेड बल्ब धीमा तथा, रेड बल्ब धीमा तथा बी बल्ब अधिक तीव्रता के साथ प्रदीप्त होना चाहिए, बी बल्ब अधिक तीव्रता के साथ प्रदीप्त होना चाहिए, बी बल्ब अधिक तीव्रता के साथ प्रदीप्त होना चाहिए। हो गया, ठीक। अगली हेडिंग है परिभ्रमण टाइप, सॉरी अगला है परिभ्रमण चकती प्रारूपी, परिभ्रमण चकती प्रारूपी यानी रोटेटिंग डिस्क टाइप, रोटेटिंग डिस्क टाइप। हाँ भाई हेडिंग डाल लीजिएगा रोटेटिंग डिस्क टाइप।
ये आपका डिस्क टाइप है, दिख रहा है आपको कुछ? अब डिस्क टाइप में क्या दिख रहा है आपको? ये डायरेक्शन दिखाया गया, डायरेक्शन दिखाया गया, किसका डायरेक्शन दिखाया गया? फेज सीक्वेंस का डायरेक्शन। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या समझते हैं? जैसे इस मीटर में ज्यादा क्लियरेंस नहीं होगा तो इस मीटर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि फेज सीक्वेंस बताया है, ये आर वाई बी लिखा है। फेज सीक्वेंस क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे तो यहां दिखेगा, ये आर लिखा हुआ है, ये वाई लिखा है, और ये क्या लिखा है? बी लिखा है, यही है। तो अगर ये तीन आपके होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन पिन भी है। जैसे आपको ज्ञात करना है कि ये हमारी जो सर्किट है, ये जो हमारी स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शन में कौन आर है, कौन वाई है, कौन बी है, हमको नहीं पता, नहीं पता है? तो हम क्या करेंगे? हमको ज्ञात करने के लिए हम इसको, इसको और इसको किससे जोड़ेंगे? हम इन तीनों क्लिपों से जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तीनों तार को। क्या करेंगे? इसमें इसको फंसा देंगे, इस वाले को। इसको क्या करेंगे? इसके साथ इसको जोड़ देंगे, इसके साथ इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? अगर ये हमारा जो मीटर है, ये मीटर में जो चकती होती है, जो अंदर एल्युमिनियम की डिस्क होती है, अगर वो एल्युमिनियम की डिस्क ऐसे घूमेगी, यानी इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से वो रोटेट करेगी, तो मतलब उसका फेज सीक्वेंस क्या है? आर वाई बी है। यानी ये क्या है? तार आर है, ये वाई है, और ये क्या है? बी है। लेकिन अगर वो बताई हुई दिशा में नहीं घूमती है, अगर उसकी दिशा विपरीत है, तो वो फेज सीक्वेंस क्या हो सकता है? आर बी वाई हो सकता है, ये कहता है। आगे बात समझ में? या क्या हो सकता है? अब दूसरी बात समझिएगा, ये अगर दोनों डायरेक्शन का, ऐसे मीटर में जब दोनों डायरेक्शन हो तब के लिए दिखाया हुआ है। हाँ, वो एल्युमिनियम उसी में डिस्क उसमें घूमेगा, वो दिखाई देगा आपको। तो एल्युमिनियम डिस्क पे इस तरह का तीर बना होता है अंदर, जो आपको दिखते गए कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो जैसे ये है आपका, ये एल्युमिनियम की डिस्क है, ठीक। अगर ये एल्युमिनियम की डिस्क, हम इसमें भी तीन वायर होते हैं, देखेंगे, एक ब्लू दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है, और एक रेड दिख रहा है। तीन तार दिख रहे हैं कि नहीं? इसमें से तीन तार निकले हैं, तो तीन तार रेड, येलो और ब्लू दिख रहा होगा। जब इन तीनों तारों के साथ उसको जोड़ेंगे, किसको? इस त्रिकला प्रणाली को जोड़ेंगे। अगर इन तीनों के साथ त्रिकला प्रणाली को जोड़ते हैं, और उस स्थिति में अगर चकती बताई हुई दिशा में ही गति करेगा, तो मतलब क्या है? ऊपर वाला आर है, नीचे वाला वाई है, और नीचे वाला क्या है? उसके बी है। अगर उस दिशा में नहीं घूमता है, तब क्या करेंगे? अगर उसी दिशा में नहीं घूमता है जो बताई हुई दिशा है, उस दिशा में ना घूमे बल्कि उसके विपरीत घूमे, तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? तो इसको फिर से हटा करके अब क्या करेंगे? फिर से जोड़ेंगे, यानी कनेक्शन को अपना चेंज करेंगे। और ये कब तक चेंज करेंगे? जब तक कि बताई हुई दिशा में चकती न घूमने लगे। चकती अगर बताई हुई दिशा में घूमने लगे, तब क्या कहेंगे? ये आर है, ये वाई है, और ये बी है। आगे बात समझ में? क्या होता है, कैसे होता है? तो लिखेगा इस प्रकार की, लिखेगा इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में त्रिकला प्रणाली में, इस प्रकार की विधि में त्रिकला प्रणाली का फेज सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए, त्रिकला प्रणाली का फेज सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए, त्रिकला प्रणाली का फेज सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए तीनों तार आर वाई बी को, तीनों तार आर वाई बी को, आर वाई बी को आर वाई बी को, आर वाई बी को डिस्क के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, डिस्क के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, डिस्क के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। तो ये क्या है भाई? ये डिस्क का जो है, ये टर्मिनल है, एक दो तीन, ये तीन टर्मिनल है, टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। और इस स्थिति में, और इस स्थिति में,
चकती रोटेट करती है और इस स्थिति में डिस्क रोटेट करती है और इस स्थिति में डिस्क रोटेट करती है और यदि इस डिस्क का आकार यदि इस डिस्क का सॉरी यदि इस डिस्क के घूमने की दिशा 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 बताई गई दिशा में हो तो यदि इस डिस्क के घूमने की दिशा बताई गई दिशा में हो बताई गई दिशा में हो तो जो मीटर के वायर का कलर होगा वही अज्ञात तिकला प्रणाली का होगा वही अज्ञात त्रिकला प्रणाली का होगा। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। यदि ऐसा न हो तो हम त्रिकला प्रणाली को तब तक परिवर्तित करते हैं जब तक कि वह बताई गई दिशा में न घूमने लगे। और इस प्रकार से फेज सीक्वेंस का मान ज्ञात करते हैं। हो गया भाई, और इस प्रकार से फेज सीक्वेंस का मान ज्ञात करते हैं। तो ये तो फेज सीक्वेंस वाला मीटर आप लोग देख लिए कि फेज सीक्वेंस का मीटर कैसा होता है। इसी तरह से इसी के जैसा जो बल्ब प्रारूपी पड़े थे, बल्ब प्रारूपी का ये फिगर है जिसमें कितने बल्ब लगे हैं, दो बल्ब नियॉन के लगे हैं। पहला नियॉन का बल्ब है, दूसरा नियॉन का बल्ब है ना। और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक कैपेसिटर वाला दिख रहा है, इधर भी दो नियॉन के बल्ब है, जिसके साथ क्या जुड़ा है आपका, इंडक्टर वाली सर्किट जुड़ी है। तो ये दो सर्किटें हैं आपका, और जिसमें इनको लिखा गया, ये R है, ये Y है, और ये क्या है, B है। इसको भी लिखा गया है कि ये R है, ये Y है, और ये B है। बस अंतर कहां है, अंतर किया गया है यहां पर B वाले पर एक बार कुंडली लगाई गई है और यहां B वाले पर एक बार कैपेसिटर लगा, इतना ही ना अंतर है आपका, और कोई अंतर है। तो यहां एक बार कैपेसिटर इंडक्टर लगा और एक बार क्या लगा, कैपेसिटर लगा है आपका, ठीक। वो रेजिस्टेंस बल्ब के लिए लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। ये डायरेक्ट भी आप दिखा दोगे तो कोई इशू नहीं है उसके। चलो भैया, तो ये वाला फिगर आप लोग बना ही लिए होंगे, ये वाला भी फिगर, हाँ लैंप वाला था बना लिया है ना उसको, ये वाला भी फिगर बना लेंगे, तो बनाना चाहे तो बना लीजिएगा। ये नहीं बन पाएगा तो ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लो। अरे रुक जाओ, बना दे रहे हैं हम ही खुद है। शांति बनाओ, फिगर बनाइएगा जी।
अब ठीक है ना, ये वाला फिगर बना लो। ये नहीं बना सकते, ये तो फिगर बना सकते हो ना, तो ये वाला बना लीजिएगा। रेड लो भी, इसमें आपका एल्यूमिनियम की डिस्क है, ये एल्यूमिनियम के क्या है, इसके अंदर एल्यूमिनियम की डिस्क है, एल्यूमिनियम की डिस्क है ठीक, जिसमें आपका सिंबल बना हुआ है, डायरेक्शन बना हुआ है, वो उसी दिशा में घूमना चाहिए। बना लो भैया फिगर। अगर हो जाएगा ना तो अगली हेडिंग रहेगी मेगर, मेगर। इस चैप्टर से, ये जो छठवां चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिक्स, केवल केवल 15 नंबर का ये चैप्टर वा देगा केले। हाँ, छठवां चैप्टर ही केवल 15 नंबर देगा, ये जान लो। और उसके बाद एक और बताएं, और सुन लो, डिजिटल एनर्जी मीटर से भी 15वें नंबर का आएगा। अभी नहीं पढ़ाएं डिजिटल एनर्जी मीटर, इसके बाद पढ़ाएंगे। हाँ, डिजिटल एनर्जी मीटर से 15 नंबर का पढ़ा दिए हम सब। इसी में है अर्थ टेस्टर। हाँ, मेगर के बाद आएगा अर्थ टेस्टर, सब पढ़ाना है। कह तो दिए 30 चैप्टर से आई है, वो थोड़ा एक और पढ़ लेगा एम आई मीटर, 5-10 नंबर हो उससे क्लियर हो जाएगी। कहता ही एम आई से भी 5-10 नंबर मिल जाए। हाँ, 40 नंबर का यह क्या हम कह दिए, सुन, आता है टोटल एग्जाम में 75 नंबर का क्वेश्चन, 1-2 नंबर का थोड़े आता है, और 75 नंबर में केवल आपको 85 नंबर का करना रहता है। गलत कह रहे हैं जी, अरे सब में एक एक छोड़ना रहता है ना, आता है ना, एक एक सब में छोड़ना, तब समझ सकाला ठीक। बन गया फिगर, तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेगर, हेडिंग है मेगर, मेगर का फिगर बना लीजिएगा। ए बाबू, मेगर का फिगर बनाओ, ये वाला बनाओगे मेगर का फिगर, इधर देखो, ये वाला मेगर का फिगर बनाओगे कि ये वाला, यही बना लो। ये चाहो तो ये मेगर का फिगर बना सकते हो, और चाहो तो ये वाला मेगर का फिगर बना सकते हो ठीक, दोनों है मेगर का फिगर ही बना लो, क्योंकि यही मेगर का फिगर पढ़ाएंगे आपको अगले टॉपिक पर।